नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल न्यूज स्टोरी पर। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मैं सोनम चड्ढा, और वक्त हो चला है अभी तक की आयु खबरों का। देखेंगे क्या है आज देश और दुनिया का हाल। उत्तर प्रदेश की 15 लाख महिलाओं को 3 साल में लखपति बनाएगी योगी सरकार। प्रदेश सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उनकी आर्थिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक पहुंची जा सके, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। अधिकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है। इसको मिशन मोड में लागू कर जल्द ही नतीजे हासिल किए जाएंगे। पहले चरण में 11 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर और सोनभद्र शामिल है। इन जिलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रकार कार्यक्रम को जल्द से जल्द नतीजे तक पहुंचाने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत जिला और विकास खंड स्तर पर टास्क फोर्स का संगठन किया जाएगा। 15 नवंबर तक जिला और विकास खंड स्तर पर टास्क फोर्स का संगठन है। 30 मार्च के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर पर जिलाधिकारी टास्क फोर्स के साथ अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी सचिव होंगे। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 15 लाख महिलाओं को योगी सरकार लखपति बनाने के लिए कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा। साथ में बता दें आपको कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक पहुंची जा सके। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। अधिकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है। फिलहाल खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें साथ में, ताकि देख सकें आप सबसे पहले देश और दुनिया का क्या है हाल। नेशनल न्यूज स्टोरी पर अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।